Consul Charles, 52 runs, BT versus SNP, 8 match highlights by Sports Journey. जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPL 2019 के मैच नंबर 8 के बारे में, जो कि बारबाडोस ट्राइडेंट वर्सेस एसटी किड्स एंड डेविड पेस्ट्रीज के दरमियान जो है खेला गया। तो दोस्तों, इस मैच की आप सबको मुकम्मल तफसील बताएंगे और जॉनसन चार्ल्स के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने 52 रन स्कोर करे, जबरदस्त किस्म की जो है उन्होंने हिटिंग करी और उस इनिंग्स को हम एनालाइज करेंगे। उसके अलावा जेपी ड्यूबी की जो फॉर्म है वो वापस आ गई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और एक और चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि छोटी टीम जो है जो पहले मैचेस हार रही थी अब वो जीतना शुरू हो गई है। तो CPL के 2019 के इस टूर्नामेंट में अब मजा आने लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। चैनल के ऊपर पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की घंटी में क्लिक कीजिए ताकि आप स्पोर्ट जर्नी की जो लेटेस्ट वीडियो है उसको आराम से हासिल कर सके। अगर आप CPL 2019 के हवाले से कमेंट्स करें, उसके अलावा जो है अगर आप बारबाडोस ट्राइडेंट्स के या जॉनसन चार्ल्स जेपी ड्यूबी के अगर फैन हैं तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करना है और उनके हवाले से आपने कमेंट भी जरूर करना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात करते हैं बारबाडोस ट्राइडेंट्स की बैटिंग की, जो कि एसटी किड्स एंड डेविस पेट्रीज ने इस दफा भी टॉस जीत के गलत फैसला किया और बैटिंग दे दी बारबाडोस ट्राइडेंट्स को। तो जॉनसन चार्ल्स जो थे बड़ी जबरदस्त किस्म की हिटिंग करी, उन्होंने 52 रन स्कोर करे जिसके अंदर में 4 फोर्स एंड 3 सिक्स जो है शामिल थे। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें 120 का इनका स्ट्राइक रेट है और जबरदस्त किस्म के ये बैट्समैन है। और उसके अलावा अगर बात करें तो जेपी ड्यूबी की फॉर्म जो है वो वापस आ गई है, 18 बॉल के ऊपर भी 43 रन इन्होंने स्कोर करे जिसके अंदर में 2 फोर्स एंड 4 सिक्स शामिल थे, 238 का इनका स्ट्राइक रेट था। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो है 186 रन जो है बारबाडोस ट्राइडेंट्स की टीम ने बनाए अपने मुकाबला 20 ओवर्स के अंदर में। और अगर बैटिंग कार्ड की अगर बात करें एसटी किड्स एंड डेविड पेट्रीज की, तो इस मैच के अंदर में सिर्फ एवेंस के अलावा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो अच्छी बैटिंग करने का मुजाहरा करता। 64 रन एल जे एवेंस ने बनाए जिसमें 1 सिक्स सिर्फ शामिल था और 10 फोर्स शामिल था। और उसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो उनका साथ देके इस टोटल को चेज करने में इतनी मदद देता, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया 168 के ऊपर में 9 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर में अपने 20 ओवर्स जो है फिनिश करे। इसके साथ ही एसटी किड्स एंड डेविड पेस्ट्रीज जो थी वो हार गई 18 रन से और बारबाडोस ट्राइडेंट्स वॉन बाय 18 रन फॉर दिस मैच। तो दोस्तों, जो अब टीम्स वो हार रही थी शुरू में टूर्नामेंट के अंदर में, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने अपना पिछला मैच जो हार गई थी अब वो जीत गई है। और इसके साथ ही जो है जो टीमें अब जो जीतना शुरू होगी, जो नीचे लेवल से ऊपर आएगी, उसके साथ CPL का मज़ा अलग आएगा, टूर्नामेंट खुलता जाएगा, तो इंटरेस्टिंग मैचेस होने की जो है सामने आने की उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों जरूर आप सबने लाइक करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।